जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक धरना प्रदर्शनकारी और वो अकेले जो है अनिश्चितकाल तक धरना में बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्ति जो है वो सब नीलाम कर दी, सब बेच दी, उन सबको बेच कर वो यहाँ पे बैठे धरना के लिए। और पिछले 17 सालों से, राइट, 17 सालों से हाईकोर्ट का चक्कर लगा रहे, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हार नहीं माने। आपको जान के हैरानी होगी क्या कुछ मामला है, आप खुद ही इनसे सुनिए। आपका नाम क्या है, परिचय क्या? मेरा नाम बम शंभु दत्त मिश्रा हुआ। मैं सिविल कोर्ट जामतारा का डिसमिस ड्राइवर हूँ। अच्छा। और वहाँ एक टीए बिल के कारण 318 रुपये का टीए बिल हमने दावा किया था, जिसके अगेंस्ट में 440 रुपये 40 पैसे की निकासी डिस्ट्रिक्ट जज जामतारा के द्वारा जामतारा ट्रेजरी से किया गया और मुझे बाध्य किया गया कि आप रिसीव कर लें, उसको प्राप्त कर लें। मैं प्राप्त इसलिए नहीं किया कि चूँकि मैं ट्रेन से स्लीपर श्रेणी में यात्रा नहीं किया था, मैं साधारण श्रेणी से जनरल टिकट से यात्रा किया था रांची का। इसके लिए उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट जज ने मुझे एक पत्र भी दिया था कि आप अलॉटमेंट लाने विधि विभाग जाएं। तो इसी बात को लेकर के उनसे बाताबाती हुई, मैं उस राशि को स्वीकार नहीं किया, रिसीव नहीं किया। उसके बाद मेरे ऊपर ये लोग दमनात्मक कार्रवाई, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, शारीरिक रूप से करना या बेइज्जत करना या ड्राइवर को अपमानजनक बातों से ये करना, तो इन तमाम विषयों को उस समय जोनल जज हाईकोर्ट में सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय थे, न्यायमूर्ति, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उनके नाम हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने अधिकारियों और इन विषयों का शिकायत पत्र भेज दिया था कि मुझे प्रभारी न्यायाधीश के द्वारा धमकी दी जा रही है कि मैं सस्पेंड कर दूंगा, डिसमिस करवा दूंगा। ये मैं पहले पत्र भेज दिया था। उसके बाद जब इन लोगों को जानकारी हुई तो सिविल कोर्ट में एक नाजिर होते हैं, उनके माध्यम से एक फर्जी पत्र मेरे विरुद्ध शिकायत तैयार करके डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज को दिया और डिस्ट्रिक्ट जज ने 20/4/2005 को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया और फिर तुरंत विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करके हमको टर्मिनेट करने के लिए ये लोग कर दिया। उसके बाद हम सिविल कोर्ट रूल के अनुसार हाई कोर्ट में विभागीय अपील किए, वो खारिज हो गया। खारिज होने के बाद हमको सूचना दे दी गई, खारिज हो गया। मैंने आरटीआई के तहत मांग किया कि खारिज किस आधार पर किया गया, विस्तृत हमको जानकारी दिया जाए, उन्होंने नहीं दिया। फिर हमने रिट किया 2006 में। 6 में रिट करने के बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो वहाँ से प्रमोशन होकर के यहाँ हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन गए। जो डिस्ट्रिक्ट जज माननीय न्यायमूर्ति उस समय हाईकोर्ट के दिलीप कुमार सिन्हा थे, वो उस समय टीए बिल मेरा निकाले थे। उसके बाद वो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए। और इन तमाम जगहों से सारा प्रूफ है, सारा पेपर्स है मेरे पास। ये पेपर्स दिखा रहे, लीगल पेपर्स। ये हाईकोर्ट का आदेश है, ये हाईकोर्ट का आदेश आप देख सकते हैं। 2020 में ये आदेश, 2020 में दिसंबर माह में ये आदेश हुआ, जिसमें जस्टिस दीपक रोशन ने कंडिका 6 में ये कहे हैं कि पेटिशनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस केस, द इंस्टेंट रिट एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। यानी आप इंटरेस्टेड नहीं है केस में? हमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं 17 साल से केस के लिए लड़ रहा हूं और यहां सच्चाई के लिए मरने के लिए तैयार हूं, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों? हाँ, इसमें भी हाई कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट तक सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, मेरे पास में है उनका कुछ दस्तावेज जो मैं रिट जो याचिका था मेरा उसमें भी मैं लगाया था अधिकारियों का। वो लोग हमको मानसिक रूप से टॉर्चिंग करते थे, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते थे, सरकारी पेट्रोल का दुरुपयोग करते थे, गाड़ी मरम्मत के नाम पर लूट खसोट करते थे और उसमें मैं शामिल नहीं। आप कह रहे पिछले 17 सालों से आप लड़ रहे, तो कैसे खर्चा, मतलब आपने पैतृक खर्चा? मैं अपने पैतृक संपत्ति का नीलाम किया। मैं बिहार का मूल निवासी हूँ, मेरे माँ बाप दादा का जितना संपत्ति था हमने औने पौने में बेचा और अपने बच्चों का पढ़ा लिखा करके अब मैं अपने बच्चों को इस देश का एक नागरिक बना चुका हूँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? मैंने उनको कह दिया कमाओगे तो खाओगे। एक बात बताइए, लोग अपने पैतृक संपत्ति को चाहे कुछ भी हो जाए नीलाम नहीं करते, लेकिन आपने सच्चाई के लिए उसे नीलाम कर दिया। हाँ, मैं जानता था क्योंकि मैं उसी पिता का पुत्र हूँ जो इसी रांची के अंदर उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज में ईमानदारी से काम करके हमको पढ़ाया था रांची में बचपन से। इसलिए मैं इस देश को, इस प्रजातंत्र को और इस संविधान को बताना चाहता हूँ कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है।
तो आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। और वाकई में ये जो जुडिशरी होता है, न्यायाधीश जो होता है, ये बहुत तीन अंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है गवर्नमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है। एक्चुअली मेन जो मिडल स्तंभ यही है, इसी पे पूरा का पूरा लोकतंत्र टिका हुआ होता है। क्योंकि अगर जिस दिन लोगों का न्याय से अगर भरोसा उठ जाए, न्यायाधीश से भरोसा उठ जाए, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से भरोसा उठ जाए, अगर जनता का भरोसा उठ रहा है, तो बहुत देखा जाए तो सही माने में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा इसी को कहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।